15 अगस्त से मुंबई लोकल ट्रेन एक बार फिर से सभी के लिए शुरू होने वाली है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा लोकल ट्रेन में यात्रा करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस के अनुसार जिन लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज लेकर 14 डेज कंप्लीट किए हैं, सिर्फ वही लोग ट्रेन में यात्रा कर पाएंगे। तो जिन लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज लिया है या फिर वैक्सीन नहीं ली है, वे लोग ट्रेन में यात्रा नहीं कर पाएंगे। जिसके मद्देनजर वसई विरार के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आज बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिली। आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि विरार के वैक्सीनेशन सेंटर पर कितनी ज्यादा भीड़ हो गई है, लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है वैक्सीन लेने के लिए। जब हमने यहाँ से लोगों के बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि कल रात से हम लाइन में खड़े हैं, लेकिन अभी तक हमें वैक्सीन नहीं मिल पाई। आप देख सकते हैं कि लाइन में सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते नजर आ रही है, और लोगों का ऐसा कहना है कि हम रात से यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन हमें अंदर से अभी तक कोई भी टोकन या फिर ऐसी कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं करके दी है। वसई लाइव न्यूज़ के लिए प्रज्ञा वाघमारे विरार।